हेलो स्टूडेंट्स, हमने बोन का स्ट्रक्चर पढ़ा था और बोन के टाइप्स पढ़े थे, जिसमें हमने दो तरह की बोन्स पढ़ी थी, कॉम्पैक्ट बोन एंड स्पॉन्जी बोन। तो हमारी जो बोन्स होती हैं, उनमें जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है वो कॉम्पैक्ट बोन होती है, और जो इनर मोस्ट होता है वो स्पॉन्जी बोन होती है। तो जो कॉम्पैक्ट बोन है, उसकी जो फंडामेंटल यूनिट है वो है हवर्शियन सिस्टम, जिससे हवर्शियन सिस्टम, बहुत सारे हवर्शियन सिस्टम उसकी यूनिट्स जो है मिलके कॉम्पैक्ट बोन की फॉर्मेशन करती है। इसलिए कहा जाता है इसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। इन मेच्योर कॉम्पैक्ट बोन ऑफ मोस्ट इंडिविजुअल्स लेमिली फॉर्म कंसेंट्रिक रिंग अराउंड लार्ज लॉन्गिट्यूडनल कैनाल्स एंड दैट विल फॉर्म द हवर्शियन सिस्टम। अब हवर्शियन सिस्टम की को हम एक और नाम भी देते हैं, ओस्टियोन। ओस्टियोन भी कहते हैं इसको। अब इसके कंपोनेंट क्या होते हैं? हवर्शियन कैनाल, एक सेंटर में कैनाल होती है, दैट इज हवर्शियन कैनाल। फिर होते हैं कैनाली क्यूली। कैनाली क्यूली क्या होते हैं, अभी आपको बताती हूँ डायग्राम्स के थ्रू। एंड देन लेमिली। लेमिली होती है बोन मैट्रिक्स की लेयर्स। अब सबसे पहले बात करते हैं हवर्शियन कैनाल की। इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी। ये जो बोन है, जब हम बोन का टीएस पढ़ते हैं, तो आपको एक थोड़ा सा पार्ट टीएस का मैंने बताया है। आउटर मोस्ट लेयर इज पेरिओस्टियम, और जो इनर लेयर होती है दैट इज एंडोस्टियम। यहाँ पे जो कैविटी होती है दैट इज मैरो कैविटी। यहाँ पे मैरो कैविटी है, ये एंडोस्टियम, ये पेरिओस्टियम। तो जो बोन की लेयर होती है वो कौन बनाती हैं? तो स्पेशल सेल्स होती हैं जिनको कहते हैं ओस्टियोसाइट्स। इस तरह की सेल्स हैं जिनमें एक स्पेस होता है लार्ज, जिसमें बीच में क्या होता है, लेक्यूना। एक स्पेस है जिसके अंदर ये पूरा का पूरा क्या है, लेक्यूना, और ये पूरी स्ट्रक्चर है ओस्टियोसाइट। ये ओस्टियोसाइट दूसरी सेल से स्पेशल कैनाल के थ्रू जुड़ी होती हैं। इन कैनाल्स को कहते हैं कैनाली क्यूली। एक ओस्टियोसाइट दूसरी ओस्टियोसाइट से कनेक्टेड होती है थ्रू कैनाली क्यूली। ठीक है, तो ओस्टियोसाइट्स मेक कॉन्टेक्ट विद ईच अदर थ्रू स्मॉल कैनाल्स दैट आर नोन एज कैनाली क्यूली। अब हमें पता है ओस्टियोसाइट्स का फंक्शन क्या होता है। ये मैट्रिक्स सिक्रेट करती हैं, और इसका मैट्रिक्स क्या होता है, हार्ड मैट्रिक्स होता है बोन का। तो जब भी, क्योंकि ये जो ओस्टियोसाइट्स होती हैं ये पूरी एक लेयर्स की फॉर्मेशन कर देती हैं मैट्रिक्स की, क्योंकि ये पूरी लेयर्स में ही एक दूसरे के साथ अटैच्ड होती हैं। तो जब भी ये मैट्रिक्स क्रिएट करेंगी तो उसकी भी एक लेयर बन जाती है। तो इन लेयर्स को हम कहते हैं लेमेली। अब अगर हम टीएस ऑफ बोन देखते हैं, तो उसमें हम हवर्शियन सिस्टम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। हवर्शियन सिस्टम में क्या है, सेंटर में एक हवर्शियन कैनाल है। ये कैनाल का क्या फंक्शन होता है कि बोन, क्योंकि बोन एक डेड स्ट्रक्चर नहीं है, लिविंग स्ट्रक्चर है, इनमें लिविंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं, तो उनके लिए जो नर्वस या ब्लड सप्लाई होती है वो इस हवर्शियन कैनाल के थ्रू ही होती है। और ये लॉन्गिट्यूडनल कैनाल्स है, मान लो ये है हवर्शियन सिस्टम, तो ये लॉन्गिट्यूडनल कैनाल्स हैं जो रन करती हैं बोन के बीच में से। ये आपस में, दो हवर्शियन कैनाल बीच में से आपस में से जुड़ी होती हैं बाई वॉकमैन कैनाल। अब ये हवर्शियन सिस्टम की चारों तरफ जो ओस्टियोसाइट की लेयर्स हैं वो एक बोन मैट्रिक्स की लेयर्स भी बना देती हैं सिक्रीट करके, जिनको हम कहते हैं लेमिली। तो जो हवर्शियन कैनाल के चारों तरफ जो लेमिली हैं, ये लेमिली हैं कंसेंट्रिक लेमिली, जो एक सेंटर के अराउंड जो है फॉर्म हो रहे हैं, वो सेंटर क्या है, हवर्शियन कैनाल। और जो पूरी बोन, अगर हम ये कहें ये है एक बोन, तो उसका जो पूरा सर्कमफेरेंस को कवर कर रहे हैं, यहां से भी और मैरो के बाहर, तो ये वाले जो लेमिली हैं ये है सर्कमफेरेंशियल लेमिली। कुछ लेमिली बीच में से भी पास होते हैं इस तरह से, ये लेमिली होते हैं इंटरफेरेंशियल लेमिली, तो जो कि बीच में से पास हो रहे हैं। तो ये तीन तरह की जो लेमिली है उनकी फॉर्मेशन हो जाती है, सर्कमफरेंशियल लेमिली, कंसेंट्रिक लेमिली एंड इंटरफेरेंशियल लेमिली। तो ये,
अब अगर हम 3D व्यू देखें तो ओस्टियन क्या है, इसमें लेयर्स हैं, जैसे ये है कैनाल, कैनाल के तरफ एक लेयर लैमेली की, फिर नेक्स्ट लेयर लैमेली की। तो ये क्या है, एक 3D व्यू है जिसमें आपको बताया है सबसे सेंटर में हवर्शियन कैनाल, ये लैमेली है, और ये कैनाल ये बाकी हवर्शियन सिस्टम्स हैं या ओस्टियोन्स हैं जो इंटरनली एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो इस तरह से ये होता है हमारा जो बोन का, कॉम्पैक्ट बोन का हवर्शियन सिस्टम। हवर्शियन सिस्टम याद रखना है स्पेशली किसके लिए हम करते हैं, कॉम्पैक्ट बोन के लिए। कॉम्पैक्ट बोन का जो फंडामेंटल यूनिट होता है वो है हवर्शियन सिस्टम और उसके ये तीनों कंपोनेंट हैं।